आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव, ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा।